तो गाइस सर अभी अभी मैंने अपने लिए ये बाइक खरीद ली है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें व्हीली करने में सही में बहुत ही ज्यादा मजा। अरे यार बहुत ही ज्यादा तेज लग गई। ये मैंने बाइक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खरीदी और मैंने नई खरीदी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये सेकंड हैंड बाइक अभी के अभी खरीदी थी और इस पे मेरा ऑलरेडी एक्सीडेंट भी हो गया, इसलिए बोलते हैं कि हेलमेट पहन के रखना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े और ये टीवी देख रहे हैं और ये इतना सीरियसली देख रहे हैं, ऐसा तो क्या चल रहा है टीवी में? आओ फटाफट से पता करते हैं। अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे जल्दी न्यूज देखो, ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में अटैक हुआ खतरनाक से मॉन्स्टर का। ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है और ये अपनी पूरी सेना के साथ आया है और पूरे लॉस सैंटोस वासियों को ये अपने जैसा एलियन बनाना चाहते हैं। इसको तो मैं खा जाऊंगा, अब नम 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 नम, इसको भी मैंने एलियन बना दिया। तो आप सभी ने देख लिया है, ये लोग बहुत खतरनाक है। ओ ब्रेकिंग न्यूज वाले, मेरी बात सुन, मैं इस लॉस सैंटोस को खत्म करने वाला हूँ। मेरी एलियंस की आर्मी, जाओ और सबको एलियन बना दो। अरे कैसर, ये एलियंस तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, जिस हिसाब से न्यूज में बता रहे मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर तो बहुत सारे लॉस सैंटोस वासी हैं, मेरे एलियंस आ जाओ, हम इन सबको अपने जैसा बनाएंगे। अटैक! अरे ये कहाँ से आ गए एलियंस? भागो यहाँ से, जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, ये एलियंस के बच्चे कहाँ से गए? पकड़ो इसको, ये तो भाग रहे हैं, पकड़ लो इसको। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अरे कैसर, ये एलियन लोग तो बहुत ही खतरनाक है। ये क्या हो गया? मेरा टायर कैसे ब्लास्ट हो गया? अरे कैसर, ये क्या हो गया? मेरी गाड़ी का पीछे वाला टायर ही ब्लास्ट हो गया, ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो एलियंस अभी भी मेरे पीछे आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और एक कैसर, आप देख सकते हो ये एलियंस के बच्चे तो ऑलरेडी पूरे लॉस सैंटोस में फैल भी चुके हैं, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया है तो इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है चलाने में, पर इसको कैसे भी करके मुझे घर तक पहुंचाना पड़ेगा। अरे कैसर, इस बाइक ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, जैसे वो एलियन सामने है इस बाइक का टायर ही पंचर हो गया। और आप देख सकते हो कैसे भी करके मैं इसको घर तक तो ले आया, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर पे, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ये एलियन लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने अभी न्यूज देखी थी और उधर ही उन एलियंस का अटैक हो गया और जितने वहां पर लोग थे उन एलियंस ने उनको भी एलियन में कन्वर्ट कर दिया। मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था वरना मैं भी आज एलियन बन चुका होता। पर कैसर, ये एलियन लोग सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही खतरनाक है और ये पूरे लॉस सैंटोस में ऑलरेडी फैल चुके हैं, तो मुझे तो सही में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा लॉस सैंटोस एलियन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक दिन वो मेरे घर पर भी आ जाएंगे। एक सेकंड, मेरे घर के बाहर अभी कौन आया होगा? मैं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अभी गेट पर किसी ने रिंग करी है, मतलब पक्का कोई मेरे घर के बाहर आ चुका है। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता करना पड़ेगा कौन आया है, क्या वो कोई एलियन है या फिर कोई इंसान है, पहले मुझे पता करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं। तो कहे सर, मैं इधर से देखने वाला हूँ क्या कोई एलियन है या फिर कोई सही में आया है मेरे घर पर। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे और आप देख सकते हो ये क्या, ये तो एलियन है। एक बार ये फ्रैंकलिन का बच्चा गेट खोलेगा तो मैं इसको खा जाऊंगा। हमने सारे के सारे एवेंजर्स को तो वैसे ही कैद कर लिया है, अब इस फ्रैंकलिन की बारी। फ्रैंकलिन, गेट खोलो। अरे कैसर, ये एलियन का बच्चा तो बहुत ही खतरनाक है, ये लोग मुझे पकड़ने आ चुके हैं और ये भी बोल रहा था कि इन्होंने सारे के सारे एवेंजर्स को पकड़ लिया है और अब ये मुझे पकड़ना है। मैंने सोचा था कि हमारे पास एक चांस हो सकता है एवेंजर्स हमें बचा सकते हैं, पर इन्होंने तो एवेंजर्स को भी पकड़ लिया है, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? मैं तो अपने घर के कोने में चुपचाप बैठने वाला हूँ, मुझे सही में बहुत ही डर लग रहा है। अगर इन एलियन ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे भी एलियन बना देंगे और मुझे एलियन नहीं बनना, ये बहुत तो खतरनाक है। पर कैसर, अगर ऐसे चलता रहा तो कभी ना कभी तो वो मेरे घर में घुस जाएंगे और वो मुझे एलियन बना ही देंगे, तो मुझे उससे पहले कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा इस पूरे लॉस सैंटोस को ठीक करने का और वापस से नॉर्मल लॉस सैंटोस बनाने का। तो उसके लिए मैं जाने वाला हूँ गूगल पर, सिर्फ गूगल ही है जो कि हमें बता सकता है इन सारे खतरनाक एलियंस को कैसे हराया जा सकता है। चलो फटाफट से सर्च करते हैं। कैसर, अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं गूगल पर और
हमें इधर से पता करना है कैसे हराए इन खतरनाक एलियंस को और लॉस सैंटोस इनको बाहर फेंक दे। वैसे न्यूज में इनका बॉस भी बहुत ही खतरनाक था। चलो फटाफट से लिखते हैं, गूगल अंकल हमें बताओ कैसे हराए और भगाए खतरनाक एलियंस को इस लॉस सैंटोस से। तो गाइस सर, अभी हमने यहाँ पे सारा का सारा लिख दिया है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है गूगल अंकल हमें बताओ कैसे हराए और भगाए खतरनाक एलियंस को इस लॉस सैंटोस से। तो फटाफट से सर्च करते हैं और देखते हैं हमें गूगल क्या बताने वाला है, और उसके बाद ये सारे के सारे एलियंस लॉस सैंटोस से भागने वाले हैं। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक खतरनाक सी फोटो आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस सैंटोस की सबसे खतरनाक काली पहाड़ी पर ये मिलने वाला है, इससे सारे के सारे एलियंस खत्म हो जाएंगे। तो गाइस सर, अभी गूगल ने हमें बता दिया कि कैसे हरा सकते हैं हम उन एलियंस को। यहाँ पर एक खतरनाक सा पत्थर या फिर कुछ तो चेन है जिससे हम उन एलियंस को हरा सकते हैं। तो ये हमें कैसे भी करके चाहिए होगा और उस पहाड़ी पर हमें इसके लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस सर, अभी मुझे गूगल से पता चल गया कैसे मैं इन खतरनाक एलियंस को खत्म कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ पर। वो पहाड़ बहुत खतरनाक है, मैंने जितनी उधर की न्यूज सुनी है जो भी वहाँ पर जाता है वो वापस नहीं आ पाता है। तो अगर मुझे लॉस सैंटोस को बचाना है तो मुझे उस पहाड़ पर कैसे भी करके जाना पड़ेगा। तो मैंने सोच लिया मैं उस पहाड़ पर जाके रहूंगा। तो चलो यार फटाफट से उस पहाड़ के लिए निकलते हैं, और ये एलियंस अभी भी इधर ही खड़े हैं तो मुझे थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। फटाफट से अपनी बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं उस पहाड़ पर, और हमें चाहिए वो खतरनाक सा मैजिक स्टोन उस पहाड़ से। उस पहाड़ पर चढ़ना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो सोचो एक मैजिक स्टोन ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर हम उसको ढूंढ के रहेंगे क्योंकि हमें पूरे लॉस सैंटोस को बचाना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं और उस मैजिक स्टोन को ढूंढ के लाते हैं। तो गाइसर, अभी आप देख सकते हो उस खतरनाक से पहाड़ी के पास हम पहुंच चुके हैं। ये पहाड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस ट्रेन की पटरी के आगे जाना बिल्कुल मना होता है, पर मैं ऑलरेडी आगे आ चुका हूँ। इस पहाड़ी पर आज तक जो भी गया है वो वापस कभी नहीं मिला है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल ध्यान से जाना पड़ेगा, कुछ मेरे साथ होना नहीं चाहिए। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, पर इन सारे के सारे एलियंस को खत्म करने के लिए हमें इस पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। ये क्या, वो सामने क्या है, कोई अजीब सा जानवर लग रहा है मुझे सामने। रुक जाओ, यहाँ पे गाड़ी से उतर जाते हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे यहाँ से ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, लगता है गाड़ी पे जाना पड़ेगा। चलो फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक टाइगर है, ये टाइगर तो इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठा है। अब मैं ऊपर कैसे। अबे क्रिश तू यहाँ पर क्या कर रहा है। हेलो फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे मुझे तो इस पहाड़ी पर जाना है क्योंकि मुझे वो मैजिक स्टोन चाहिए, उससे मैं पूरे लॉस सैंटोस को बचाना चाहता हूँ। हाइला, मैं भी वो मैजिक स्टोन लेने आया हूँ ताकि मैं पूरे लॉस सैंटोस की मदद कर सकूँ। क्या तू भी लॉस सैंटोस की मदद करना चाहता है, पर मुझे तो पता चला था कि सारे के सारे सुपर हीरोज को पकड़ लिया है, फिर तू कैसे बच गया। हाइला मैं तुमको क्या बताऊँ, लोग मुझे अब सुपर हीरो मानते ही नहीं है। हाइला जब से मैं थोड़ा सा मोटा क्या हो गया हूँ, कोई मुझे सुपर हीरो मानता ही नहीं है। थोड़ा मोटा, अरे क्रिश तू तो बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका है, अब एक बच्चा लेके घूमेगा अपने साथ। क्रिश देखो कितना ज्यादा मोटा हो चुका है। आइला वो सब छोड़ो, हमें वो खतरनाक सा स्टोन चाहिए होगा। अरे पर ऊपर तो मुझे बहुत सारे टाइगर दिख रहे हैं। आइला इन टाइगर को मैं संभालता हूँ, रुक जाओ। ये टाइगर के बच्चे, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ। हुट हुट हुट, मैं तेरे को मारूंगा, इसको पत्थर फेंक के मार दूं। अरे वो कुत्ता नहीं है, टाइगर है, अगर नीचे आ गया तो छोड़ेगा नहीं। आइला तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुट 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 टाइगर हुट। अरे ये क्या, ये सारे के सारे टाइगर तो नीचे आ रहे हैं। हेला फ्रैंकलिन जल्दी गाड़ी भगाओ। अरे जल्दी निकलो यहाँ से, भागो। अरे गाइज़, ये सारे के सारे टाइगर तो नीचे आ गए, मैंने इसको बोला था वो कुत्ते नहीं है, उनको हुट हुट कर रहा और बोल रहा पत्थर मारूंगा, और वो सब के सब नीचे आ गए। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अभी तो हमने आधी पहाड़ी भी नहीं चढ़ी थी, इन सारे टाइगरों ने हम पर अटैक कर दिया, पर गाइज़ कम से कम हम जिंदा बच चुके उस पहाड़ी से। हाइला उस पहाड़ी से तो जिंदा बच गए, पर तुम हमको पक्का मार दोगे। अबे क्या मार दोगे, तू उधर मेरे को मरवा ही देता, उस सारे के सारे टाइगरों ने हम पर अटैक कर दिया था। वो तो अच्छा है मुझे ढंग से बाइक चलाना आती है, और अभी हम यहाँ पर बच गए। पर गाइस अब क्या करेंगे, हमें वो खतरनाक सा मैजिक स्टोन तो मिला ही नहीं जिससे हम उन सारे एलियंस को रोक पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है, हम उस पहाड़ी पर तो नहीं चढ़ पाए, पर हम अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर वो सेम
सेम टू सेम स्टोन बना सकते हैं। अगर हमने अपने मैजिक बोर्ड पर वो सेम का सेम स्टोन बना दिया तो हम उन एलियन से लड़ पाएंगे। आइला, तुम्हारे पास ड्राइंग मैजिक बोर्ड है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है। चलो यार फटाफट से चलते हैं। तो गाइस यार, अभी क्रिश और मैं आ चुके हैं मेरे घर पर और हम जाने वाले सीधा ड्राइंग मैजिक बोर्ड के पास और उस खतरनाक से मैजिक स्टोन को बनाने वाले। और अभी आप देख सकते हो, ये रहा हमारा ड्राइंग मैजिक बोर्ड और क्रिश का रहेगा। जल्दी आ क्रिश। आइला आइला, आ गया आ गया, जल्दी बताओ। बताना बताना कुछ नहीं है, अब हमें ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर उस खतरनाक से स्टोन को बनाना है। तो गाइस यार, क्रिश के साथ हम लोग आ चुके हैं मैजिक बोर्ड पर और गाइस यार, हमें वो खतरनाक सा मैजिक स्टोन बनाना है जो कि हमें काली पहाड़ी से नहीं मिल सका, क्योंकि वहां पर बहुत सारे शेर घूम रहे थे और मुझे शेरों से बहुत डर लगता है, इसलिए उस स्टोन को हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। चलो शुरू करते फटाफट से। वो स्टोन कुछ ऐसा दिखता था जो कि हमें गूगल ने बताया था, तो हमको बिल्कुल सेम वैसा ही बनाना है। फटाफट से लेके जाएंगे, उसकी मतलब आंख जैसा कुछ यहाँ पर था। पहले मैं बार बार का पूरा बनाने वाला हूँ, फिर इसके अंदर का करेंगे। यहाँ पर इसकी जो रस्सी जाके इसको गले में पहन सके, तो फटाफट से इस रस्सी को भी बना देते हैं और ये रस्सी भी यहाँ पर हमने बना दी और इसको अंदर से भी फटाफट से ऐसे करते थे कि पूरे से रस्सी लगनी चाहिए। बिल्कुल सेम का सेम जो गूगल ने दिखाया था वही बनाने वाले। चलो चलो चलो, रस्सी लेके चलते हैं और ये डन। तो कहा सर, आप देख सकते हो बार बार से तो ये कंप्लीट हो गया है, पर इसको अंदर से कलर करने में बहुत ही मजा आने वाला है, अंदर से इसकी डिजाइन देने में बहुत ही मजा आने वाला है और साथ में इसकी रस्सियों में भी थोड़ी थोड़ी डिजाइन आने वाली है, क्योंकि गूगल वाले पे है तो इस पे भी करना जरूरी है। चलो फटाफट से कर देते हैं, इस रस्सी पर थोड़ी डिजाइन लगा देते हैं ताकि हम अंदर का सारा काम भी कर पाए। लेट्स गो, यहाँ पर भी कर देते हैं और ये डन। तो अब बारी इसके अंदर साइड डिजाइन करने की। तो सबसे पहले लेंगे हम एक सर्कल और इसके सर्कल बनाने वाले हैं। इसके अंदर एक खतरनाक सा सर्कल बनेगा और इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये सर्कल बन गया। अब इसके अंदर एक और सर्कल बनेगा जो की होगी इसकी आंख, मतलब इस स्टोन की आंख है और वो बनने वाली है अंदर। तो हमने इसको बार बार से तो बना दिया। अब इसके अंदर हम थोड़ी और डिजाइन ऐड करने वाले हैं जो कि सेम बार बिल्कुल खतरनाक लगनी चाहिए। फटाफट से इधर ऐसे कर देंगे ताकि ये बहुत ही खतरनाक लगे, सेम उस फोटो की तरह लगना चाहिए, कुछ भी इसमें अलग नहीं होने वाला। अब इसके अंदर भी हम थोड़ी चीजें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि ये डिजाइन यहाँ पर ऐसे बनेगी और ये डन। एक इधर से कर देंगे और एक इधर से भी कर लेते हैं। लेट्स गो, और हमने इसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस यार, अभी आप देख सकते हो ये आंख दिखने लग गई है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आपको कैसे लग रही है बता दो, मुझे तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। इससे हम उन सारे के सारे एलियंस को खत्म करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये भी हमारा डन हो चुका है। अब बार इसके अंदर कलर करने की। सबसे पहले लेने वाले हम गोल्डन कलर। तो फटाफट से अपने कलर की बास्केट लेते हैं और इसके अंदर कलर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे गोल्ड इधर 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 और इधर और इधर। तो आप देख सकते हो जहां जहां पे ये कलर हो सकता था हमने वहां वहां पर कर दिया है। अब बारी इसके अंदर गोल्डन करने, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा गोल्डन होने वाला है। तो इसके अंदर फटाफट से गोल्डन करते हैं और इसके अंदर ये जो स्ट्रिप्स है ना वो सिर्फ गोल्डन होगी, बाकी ये सारा का सारा ग्रीन होने वाला है। तो यहाँ पर हम लेने वाले डार्क ग्रीन और इसके अंदर लेंगे लाइट ग्रीन और फिर हम लेंगे रेड कलर और बाकी चीजों में इधर रेड कलर करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। और उसके बाद हम लेंगे डार्क कलर जो उसके पूरी की पूरी रस्सी को कंप्लीट करेगा और ये लगभग हमारा पूरा का पूरा डन हो चुका है। बस इसमें थोड़े टेक्सचर ऐड करना बाकी है। तो फिर से हम लेंगे डार्क कलर और इसके अंदर हम बीच में एक सर्कल बनाने वाले हैं। तो फटाफट से इस सर्कल को बनाते हैं और इसमें से निकलने वाली है खतरनाक खतरनाक रोशनियां। तो रोशनियां होने वाली है ग्रीन कलर की। तो देखते हैं कौन सा ग्रीन कलर इसमें जोड़ सकते हैं। और ये देख सकते हो ये बिल्कुल बढ़िया इसमें लगने वाला है। तो मैं इधर ऐसे रोशनियां निकल रही है और हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। चलो फटाफट से इसका यूज करके उन सारे एलियंस को खत्म करते हैं। तो गाइस यार, अभी आप देख सकते हो ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर हमने ये खतरनाक सा स्टोन बनाया और ये रियल लाइफ में भी आ चुका है और इससे हम उन सारे के सारे एलियंस को खत्म करने वाले हैं। चलो इसको लेके चलते हैं और सारे एलियंस को खत्म करते हैं। कौन है जो हमें खत्म करना चाहता है? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे ये क्या, ये एलियंस तो इधर आ गए। क्रिश क्रिश कुछ कर। हाइला मैं क्या करूं, स्टोन फेंक के मारो। हाँ, स्टोन एलियंस तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास ये मैजिक स्टोन है। ये देखो मैं मैजिक स्टोन से हरा है। ये देखो ये हमें मैजिक स्टोन से डरा रहा है। तुम्हारी तो ये ला। अरे का
काइजर ये खतरनाक, अरे काइजर ये मैजिक स्टोन तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसको पहनने के बाद तो मेरे अंदर शक्ति आ चुकी है और मैंने सारे के सारे एलियंस को खत्म कर दिया। अरे क्रिश ये मैजिक स्टोन तो मेरे अंदर चला गया और ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है। हाइला बहुत ही बढ़िया, अब तो हम सबको खत्म कर देंगे। हाँ अब हम सबको खत्म कर देंगे। तो काइजर अब तो मैं उन सारे के सारे एलियंस को मारने वाला हूँ। मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, अब मैं सारे एलियंस को खत्म करने वाला हूँ। मेरी बात सुनो, तुमने मेरे एलियंस को खत्म कर दिया पर तुम मुझे नहीं मार सकते। इन एलियंस के बॉस मैं तुम सबको मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो खतरनाक सी आंख है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो ये ले, ये लो। इसकी तो ऐसे की तैसी ये मुझे मारना चाहता है, रुक जा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैंने बोला था तू मेरे एलियंस को खत्म कर सकता है, मुझे नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, निकल यहाँ से। अरे ये क्रिश का बच्चा कहाँ जा रहा है, रुक जा क्रिश। हाइला हाइला मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा तो ये है मैजिक बोर्ड, ये ले, मैजिक बोर्ड को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये लो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे खत्म कर सकता है। मैं इस पूरे लॉस सैंटोस पे राज करूंगा। मुझे बचाओ। अरे काइजर उस खतरनाक से एलियन के बच्चे ने मुझे पता नहीं कहाँ फेंक दिया। वो तो अच्छा है मैं किसी के पानी में लैंड हो गया इसलिए बच गया। ये कहाँ हूँ मैं, एक सेकंड, ये लॉस सैंटोस इतना नीचे कैसे चला गया? नहीं अरे ये कहाँ आ गया हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जगह तो हवा में उड़ रही है, मैं इधर कैसे आ गया? उस एलियन के बच्चे ने मुझे पता नहीं कहाँ फेंक दिया, मैं उड़ के यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ से लॉस सैंटोस कितना मस्त लग रहा है। एक सेकंड यहाँ पर ये क्या चल रहा है, मुझे लगता है कोई मैजिकल जगह पर मैं आ चुका हूँ और ये धुआं निकल रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे पीछे मुझे जाना चाहिए क्योंकि ये धुआं उस गेट की तरफ जा रहा है। क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इस एलियन को रोकना है पर अभी मैं पता नहीं कौन से मैजिक मंदिर पे घुस चुका हूँ। और ये क्या, मैं तो अंदर आ गया। अरे काइजर ये जगह तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। पर काइजर ये सब छोड़ो, मुझे उस एलियन को कैसे भी करके हराना पड़ेगा। उसने क्रिश को भी मार दिया और अब वो पूरे लॉस सैंटोस पे राज करना चाहता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़े। एक सेकंड ये तो ड्राइंग मैजिक बोर्ड है, अरे ये इधर कैसे आ गया? मुझे लगा था ड्राइंग मैजिक बोर्ड पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ मेरे पास है, पर यहाँ पर भी एक ड्राइंग मैजिक बोर्ड है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस मैं इस मैजिक मंदिर के अंदर आया और यहाँ पर ये खतरनाक सा ड्राइंग मैजिक बोर्ड है। तो इस मैजिक बोर्ड पर मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जिससे हम उस एलियन को हरा पाए। वो जर गूगल ने बताया था उससे हम सिर्फ वो एलियंस के बच्चों को मार पाए थे, पर वो खतरनाक सा एलियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम उसको खत्म कर सके। तो चलो फटाफट चलते हैं अपने मैजिक बोर्ड और कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हम उसको खत्म कर पाए। तो गाइस सर एक और बार हम आ चुके अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर, क्योंकि आखिर में हमें ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड हमारी मदद कर सकता है हमें उन खतरनाक से एलियंस को हराना है। वो एलियंस आए थे, मैंने सोचा था वो स्टोन हमें बचा लेगा, वो स्टोन तो हमें नहीं बचा पाया, ऊपर से वो क्रिश को भी उठा के ले गए। तो अब मुझे पूरे लॉस सैंटोस का बदला लेना है, एवेंजर्स का बदला लेना है और क्रिश का भी बदला लेना है। तो उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ एक ऐसा खतरनाक सा क्रिश जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। चलो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके मुंह से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलो यार फटाफट से सबसे पहले बनाते हैं क्रिश का मुंह। यहाँ पर ऐसे बिल्कुल ढंग का मुंह बनाने वाला है क्योंकि ये कोई नॉर्मल क्रिश नहीं होने वाला, इसलिए इसका यार मुंह बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और क्रिश के बाल तो आपको पता ही है कितने ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर बन गया इसका पहला मुंह, और पहला मुंह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके पूरे के पूरे तीन तीन मुंह बनाने वाला हूँ। तीन मुंह वाला क्रिश ना आज तक किसी ने देखा है ना कोई देखेगा, क्योंकि ये क्रिश सिर्फ मेरे पास होने वाला है। तो फटाफट से हमने दूसरा मुंह भी यहाँ पर बना दिया है और तीसरा मुंह भी यहाँ पर बना देते हैं। इसके बालों को थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि क्रिश के बाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इधर भी बन गए बाल और ये तीनों के तीनों मुंह इसके बन चुके हैं। और ये वाले बाल मुझे
थोड़े से अजीब लग रहे तो इनको फटाफट से ऐसे इरेज करेंगे और इन बालों को वापस से बनाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पर भी मैं डिजाइनदार बाल बनाता हूँ। तो फेस तीनों के तीनों यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, अब बाकी की बॉडी बनाते हैं। हम यहाँ से लेके जाएंगे क्रिश, ज्यादा मतलब ऐसे यार मस्कुलर वस्कुलर नहीं है और उसको बनाने नहीं वाले क्योंकि यार वो लोग क्रिश नहीं लगेगा ना, क्रिश भी लगना चाहिए और खतरनाक भी लगना चाहिए। तो फटाफट से क्योंकि यार क्रिश है तो एक इंसान ही, फटाफट से लेके जाएंगे इसका हाथ, यहाँ पर हमने बना दिया, और इसको यहाँ पर भी लेके जाएंगे इसका हाथ, और यहाँ पर बनाएंगे हाथ तो अंगुलियां, और ये वाला हाथ भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी किसकी पूरी की पूरी बॉडी बनाते हैं। आपको तो पता है क्रिश हमारा एक खतरनाक सा सूट पहनता है, मतलब सलवार कुर्ता लगता है मेरे को तो, पर कोई बात नहीं, उसको फटाफट से बनाते हैं यहाँ पर ऐसे। और ये आप देख सकते हो हमने क्रिश का सूट भी यहाँ पर बना दिया है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है पर ऊपर ऊपर से हमने इसको बना दिया। यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देंगे, लेट्स गो। अब इसके थोड़े से पैर बना लिए जाए, सूट के नीचे होंगे इसके पैर और उसके नीचे होंगे जूते, और इस साइड भी सेम करेंगे, पैर बनाएंगे उसके नीचे जूते बनाएंगे, और ये डन। तो आप देख सकते हो ये क्रिश कितना खतरनाक लगने लग चुका है। और यार क्रिश के बीच में 56 इंच की छाती दिखती है, तो उसको भी हम बनाने वाले हैं यहाँ पर ऐसे, बीच में बुरी बुरी छाती उसकी दिखेगी। और मैं हमारे क्रिश की गर्दन बनाना भूल गया, तो थोड़ी सी गर्दन भी बनानी पड़ेगी, रुक जाओ, फटाफट से इसको इरेज करेंगे क्योंकि ये इंसान है ना, इसलिए सारी चीजें इंसानों वाली होनी चाहिए। फटाफट से ऐसे लेके जाएंगे, यहाँ पर ऐसे बन गई गर्दन और यहाँ पर भी बन गई गर्दन। तो आप देख सकते हो इसकी गर्दन भी यहाँ पर बन चुकी है। और इसके सूट में हम थोड़े डिजाइन देने वाले, जैसे कि यहाँ पर जिप लगने वाली है जिससे ये सूट पहनेगा, और यहाँ पर भी थोड़े से डिजाइन देने दे। क्रिश का सूट है यार तो खतरनाक तो होना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं इसमें यूज करने वाला हूँ, इस पर हम यूज करेंगे ये खतरनाक खतरनाक स्टार, वो भी डिजाइनिंग के लिए। फटाफट से पतले पतले स्टार बना ताकि ये खतरनाक लगे, क्रिश हमारा बहुत ही खतरनाक सुपर स्टार है। चलो फटाफट से हर जगह लगा देते स्टार। तो गाइस अभी आप देख सकते हो सूट बहुत ही अच्छा लगने लग चुका है। और अब मैं बनाने वाला हूँ सबसे मेन चीज, उस खतरनाक से एलियन के बॉस को हराने के लिए हमें चाहिए खतरनाक खतरनाक विंग्स। तो यहाँ पर अपन विंग्स भी बनाने वाले क्रिश के। आज तक किसी ने क्रिश के विंग्स नहीं देखे होंगे क्योंकि ये सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। तो फटाफट से बनाते हैं इसके विंग्स। दोनों विंग्स हमने यहाँ पर बना दिए और मुझे तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। और इन विंग्स को भी फटाफट से ऐसे डिजाइन विजाइन दे देते, अंदर से भी ऐसे डिजाइन दे देंगे ताकि असली विंग्स लगे, ऐसा लगे बिल्कुल पक्षी उड़ते हुए जाएगा फुल स्पीड में। चलो फटाफट से इसके अंदर भी हमने डिजाइन दे दिए। अब इसके मुंह पर हम इसको बनाने वाले मास्क, जो कि क्रिश के मास्क होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक लगते हैं। तो फटाफट से मास्क को बना लेते हैं, यहाँ पर इधर मास्क बनाएंगे, ऐसे होता है क्रिश का मास्क और ये इधर बन गया। अब नीचे से भी बना लेंगे, तो आप देख सकते हो क्रिश का मास्क भी हमने यहाँ पर बना दिया है, यहाँ पर इसकी नाक और यहाँ पर इसका मुंह और आंखें भी तो चाहिए। तो यहाँ पर फटाफट से क्रिश की अपन आंखें भी बना देते हैं, और ये एक आंख बन गई और ये दूसरी आंख भी बन गई। तो गाइस अभी पहला मास्क हमने बना दिया, अब सेम मास्क हमें इधर भी बनाना है। तो फटाफट से लेके जाते हैं, यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे, और ये हमारा दूसरा मास्क भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए एक आंख और यहाँ पर दूसरी आंख, यहाँ पर नाक और ये बन गया मुंह, और सेम यहाँ पर भी। चलो यहाँ पर लेके जाएंगे नीचे ऐसे, और ये बन गया, यहाँ कर भी मास्क हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बनाएंगे नाक, यहाँ पर बनेगा मुंह, और ये दो दो आंख। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा क्रिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लग चुका है। अब इसको फटाफट से कलर करते हैं। और आपको बताइए क्रिश के सूट का कलर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा है, मतलब हर जगह से काला काला काला, तो हमें वही करना पड़ेगा, मतलब हमें क्रिश को चेंज नहीं करना चाहता। तो फटाफट से कलर करते हैं, हम करने वाले डार्क ग्रे कलर ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे, और इसके सूट में भी सेम वही डार्क ग्रे। और मैं सोच रहा हूँ इसके विंग्स में ये वाला कलर करने का, अब खतरनाक लग रहे ना। अब फटाफट से डार्क ग्रे करके इसके सारे जूतों में हर जगह कर देंगे, जूतों को थोड़ा ब्लैक कर दिया जाए, इसको भी हमने ब्लैक कर दिया है। और गाइजर इसके मास्क भी यार ब्लैक तो होते हैं वैसे, पर मैं डार्क ग्रे करने वाला हूं क्योंकि ज्यादा अच्छे लगेंगे। और ये भी डन हो चुका है। अब लेंगे हम काला कलर, इसके बालों में काला कलर करेंगे, और स्किन कलर लेके इसकी पूरी बॉडी में करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्किन कलर, यहाँ पर इसकी नाक भी स्किन कलर, और ये भी डन। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये, आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। और इसकी आंखों में भी स्किन कलर कर देंगे क्योंकि यार इंसान है तो स्किन कलर की आंखें होती सबकी। तो आप देख सकते हो हमारा क्रिश कितना खतरनाक लगने लग चुका है। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं इसकी पावर बढ़ा के। तो इसकी पावर हम बढ़ाने वाले हैं इनटू 1000 तक। तो फटाफट से यहाँ पर कर देते हैं पावर इनटू 1000 1000। तो गाइस इसकी पावर बढ़ चुकी है और हमारा क्रिश तैयार
तैयार है बिल्कुल उन सारे एलियंस को खत्म करने के लिए, और ये ड्रॉइंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने, नाम तो आपको पता ही होगा। तो गाइसर आप देख सकते हो हमारी ड्रॉइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और मैं कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। तीन तीन मुंडी वाला क्रिश, वो भी बंको के साथ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये लग रहा है। और अभी हम यहाँ से डाइव मारने वाले सीधा लॉस सैंटोस में, लेट्स गो, चलते बूम। तो गाइसर हम आ चुके लॉस सैंटोस में और अब मैं जाने वाला हूँ उस एलियन को खत्म करने के लिए, क्योंकि गाइसर आप देख सकते हो उस एलियन की वजह से पूरा लॉस सैंटोस खाली पड़ा है, सारे के सारे रोड खाली है, कोई भी लोग नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो वो एलियन बन चुके हैं और जितने लोग बचे वो चुपचाप अपने घर के अंदर छुप के बैठे। पर अब मैं आ चुका हूँ ना, तो आप टेंशन मत लेना, पूरा लॉस सैंटोस वापस से नॉर्मल होने वाला है क्योंकि क्रिश आ चुका है। चलो फटाफट चलते हैं और उस एलियन के बॉस को खत्म करते हैं। एलियन के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तूने पूरे लॉस सैंटोस वालों को परेशान किया है। तुम तो बहुत ही अलग सुपर हीरो, मैंने लॉस सैंटोस के सारे सुपर हीरोज को अपने जेल में बंद कर लिया, अब लगता है तुम्हारी बारी है। तो आ जा फिर, देखते हैं कौन किसको जेल में बंद करता है। आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आजा। कहाँ फेंक दिया इसकी, तो ऐसी की तैसी, ये ले एलियन के बच्चे। तो गाइसर अभी मैं इस एलियन के बच्चे को नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मुझे पूरे लॉस सैंटोस को बचा रहे। तो लॉस सैंटोस को नहीं बचा पाएगा क्योंकि लॉस सैंटोस पे मैं राज करके रहूंगा। तेरी तो ये ले। तो गाइसर इस एलियन के बच्चे को हम खत्म करके रहेंगे क्योंकि इसने लॉस सैंटोस वालों को बहुत परेशान किया है और ये मुझे क्यों मार रहा है, बचाओ मुझे, मैं पहाड़ से गिर जाऊंगा नीचे, रुक जा। अरे ये तो मारे जा रहा है, ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके जो एलियन के छोटे छोटे बच्चे थे ना वो बहुत ही कमजोर थे, पर ये सही में ताकतवर है। पर हम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं अगर आप अभी के अभी वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं इस खतरनाक से एलियन को खत्म कर सकूं। रुक जा एलियन, मैं आ रहा हूं। खतरनाक सा क्रिश बन चुका हूँ कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी एलियन नहीं है लॉस सैंटोस में जो कि मुझे हरा पाए। ये निकल यहाँ से। तो गाइसर इस कॉम्बो उठा के फेंक दिया, पर ये अभी भी मर नहीं रहा, मानना तो पड़ेगा ये एलियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर हम इससे भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि हम इसको खत्म करने वाले हैं। क्रिश के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, ये ले अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, या ये ले। अरे तेरी ऐसी की तैसी, क्यों मारा जा रहा है, इसको फटाफट से खत्म करते ताकि हम लॉस सैंटोस को वापस से नॉर्मल जैसा कर सके। ये ले, इसको मैं अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इसको अपने साथ लेके चलते हैं पानी में और इसकी कहानी करते हैं यहाँ पर खत्म। तो गाइज़र आप देख सकते हो हमारा एलियन यहाँ पर पागल हो चुका है, हमने इसको खत्म कर दिया है, इसको पता नहीं कौन से झटके पड़ रहे हैं, और इसी के साथ हमने लॉस सैंटोस को बचा लिया। और अभी मैं एवेंजर्स हाउस पे आ चुका हूँ, सारे के सारे एवेंजर्स वापस से फ्री होने वाले हैं, पूरा लॉस सैंटोस वापस से ठीक हो जाएगा क्योंकि हमने सारे के सारे एलियंस को लॉस सैंटोस से बाहर भेज दिया है। और आप देख सकते हो लॉस सैंटोस में चोरियां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ये चोर आ चुके हैं वापस से लॉस सैंटोस में चोरियां करने, इसका मतलब सारे के सारे एलियंस जा चुके हैं। तो गाइसर इसी के साथ हमने लॉस सैंटोस को बचा लिया। तो आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बता रहे वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइसर इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना, और गाइसर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।